हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जी यूएस स्लॉट बुकिंग के बारे में। आपको पता है, चाहे कोई टूरिस्ट वाला है, कोई स्टूडेंट वीज़े वाला है या वर्क वीज़ा है, सभी एवरीबडी इज़ हैविंग आईज ऑन स्लॉट्स कि भैया स्लॉट मिल जाए। और अगर देखा जाए तो जो प्रैक्टिकली अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो कोई भी लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। इवन स्टूडेंट वीज़े के स्लॉट हैं या टूरिस्ट वीज़ा स्लॉट है, इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 2025 के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो भी 2025 मई के। तो ऑलमोस्ट सवा साल के बाद कौन प्लान करता है। सो चलो, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो हो जी इस टाइम का। लेकिन आई विल टुडे शेयर सम पॉइंट्स एंड यू कैन से टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी टू गेट योर वीज़ा स्लॉट्स और टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड, ठीक है जी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ताकि बाकी लोगों के भी काम आ सके ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। और किसी को ऑब्वियसली कोई हेल्प चाहिए इमिग्रेशन टास्क में, वीज़ा फाइलिंग, आइदर स्टूडेंट वीज़ा और वट एवर, और टूरिस्ट वीज़ा इन एनी अदर कंट्रीज, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है। वी स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ जी, तो बात करते हैं जी यूएस वीज़ा स्लॉट के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, प्रैक्टिकली करंटली 2025 मई के स्लॉट अवेलेबल हैं B1 B2 के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें अभी सभी को मालूम है, सब परेशान है। पीछे इम्प्रूवमेंट हुई थी, इट केम बैक टू अक्टूबर दिस ईयर, बट आई एम नॉट श्योर वट हैपन अगेन, इट केम बैक टू ओल्ड स्टेज, फिर से वही बैकलॉग हो गया। चलो एनी हो, जो है सो है। आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको स्लॉट मिल सकें और बुक कर सकें। पहला पॉइंट है जी मॉनिटरिंग 24/7, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। आपको जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी 24/7। यू कैन डू इट बाय, या तो आप व्हाट्सएप में अपना ग्रुप बनाइए दोस्तों के साथ, या जिनको आप जानते हैं उनके साथ ग्रुप बना के, लाइक दे कैन यू कैन चैट विद पीपल एंड गेट टू नो कब आ रहे हैं स्लॉट्स ओपन होते हैं, बिकॉज 10 बंदे हैं ग्रुप में, किसी एक ने भी देख लिया तो एट दैट टाइम यू कैन बुक द स्लॉट्स। दूसरा, हाँ, टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम में जो ग्रुप्स होते हैं, वो जो ग्रुप्स हैं ना, उसमें लाइक यू नो टेलीग्राम ये सेफ एंड साउंड नहीं है। देर आर लॉट ऑफ पीपल्स इन टेलीग्राम जो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 100% श्योर है, क्योंकि वहाँ जो लोग अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं वो नहीं होते। कुछ लोग बोलेंगे मैं एजेंट हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कुछ हूँ, और बहुत से लोग तो आपको ये भी बोलेंगे कि मैं आपका स्लॉट मैं बुक कर दूंगा, और एंड दैट टू इन यू नो वेरी रेयर, वेरी चीप मनी एंड दिस लाइक दैट, बहुत कम पैसों में कर दूंगा ऐसे। और बहुत से लोग फंस भी जाते हैं। प्रैक्टिकली हमारे कुछ नोन्स, हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं जो ये धक्का या कह लो भी चोट खाकर हमारे पास वापस आए हैं। दे शेयर देयर क्रेडेंशियल्स, और वो करते क्या हैं, लोग क्रेडेंशियल ले लेते हैं एंड देन व्हाट दे डू, दे चेंज द आईडी पासवर्ड, फिर वो आपसे फिरौती की तरह पैसे मांगते हैं कि पैसे दीजिए देन विल गेट बैक टू अकाउंट टू यू, हम तभी आपको अकाउंट की डिटेल्स वापस करेंगे। सो ट्राई अवॉइड ऑल दिस स्टफ, ये मत करो, ठीक है। क्योंकि जो यू नो टेलीग्राम है, ये इट्स टोटली अनसेफ, डोंट ट्रस्ट पीपल हु आर देयर। बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो ट्रस्ट वर्दी पीपल है उनके साथ ही रह के अपना काम करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात करूँ, ब्लॉकिंग, जो ब्लॉकिंग होती है, अवॉइड ब्लॉकिंग ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लॉग इन और यूज, ठीक है जी। इसमें क्या करना है, पहले तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बोला कि आप अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, उनके साथ ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप पे, क्रिएट अ ग्रुप जिसमें 8 10 15 लोग हों जो कि चेक कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप में क्या कर सकते हैं, यू कैन चेकआउट यू नो लॉग इन आईडी करके आप चेक कर सकते हैं स्लॉट्स को। एंड वन थिंग यू हैव टू टेक केयर इज यू डोंट ट्राई मोर देन 4 to 5 टाइम, 5 बार मैक्सिमम तुम लॉग इन कर सकते हो इसमें टू चेक द स्लॉट्स। जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अपना आईडी कर रहे हैं, उनको फटाफट लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद चेक करो सारे काउंसलेट्स, इफ यू गेट द स्लॉट इज ओके, अदरवाइज लॉग आउट, दैट्स ऑल, डोंट कीप ऑन ट्राइंग, उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, आप ब्लॉक हो सकते हो। तो ये किसी ने, और दूसरी बात ये, अपना आईडी सबको मत दो, चाहे फैमिली है वो भी जब करेंगे लॉग इन आप भी करोगे, जहाँ कंटिन्यूसली लॉग इन हुआ एक तरह से, तो दे विल ब्लॉक यू फॉर 24 आवर्स इनिशियली, फिर उसके बाद 72 आवर्स के लिए ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो ये एक आपके लिए पॉइंट है कि
करें, बट अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ करें जो अलग अलग आईडी से भी करते हैं। अगर मल्टीपल करना है तो मेक श्योर नोबडी शुड लॉग इन मोर देन 2 टाइम्स। दो बार आप कीजिए, 2-3 बार वो करें, इस तरह से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जी, कैंसल्ड स्लॉट्स अवेलेबिलिटी। अब ये बहुत लोगों के दिल में धारणा है या माइंडसेट बना हुआ है कि भैया जब कोई स्लॉट कैंसिल होगा वो अपने आप सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यूएस एम्बेसी का सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। अगर आप स्लॉट कैंसिल करते हैं वो स्लॉट अपीयर नहीं होगा, कहीं भी अपीयर नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने ऐसे अफवाह भी फैलाई है, पीछे लोगों की धारणा भी थी ऐसे, देयर आर मेनी क्लाइंट्स हु केम टू अस सेइंग दिस थिंग, ओके। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि भैया स्लॉट अगर कैंसिल कर दिया तो वो स्लॉट बिक जाएगा, दे विल सेल द स्लॉट्स, एजेंट्स विल कैंसिल द स्लॉट्स एंड दे विल सेल स्लॉट्स। सो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। कोई स्लॉट कैंसिलेशन के बाद नहीं आता, हम वैसे खुद रिलीज करती है जो स्लॉट करती है व्हेन दे रिलीज, चाहे वो बल्क में करे चाहे वो माइनर करे ओपनिंग्स में, इट इज़ ओनली द एम्बेसी यू नो हु रिलीजेस द स्लॉट्स। तो इस बात को मैं आपको जस्ट कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट निकाल दीजिए कि कैंसिलेशन होगी किसी की तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, एरर्स की बात करूँ। देखो एरर्स तो आएंगे ही आएंगे, आपको पता जो नया पोर्टल है वो फुल ऑफ एरर्स है, हालांकि 50% एरर्स रिमूव भी कर दिए गए हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी 100%। आजकल नया प्रॉब्लम चलता है कि जो लोग वीज़ा रिफ्यूज़ होता है जिन लोगों का, और उन लोगों को अगर दोबारा अप्लाई करना है तो सिस्टम में अपडेट ही नहीं हो रहा कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुके हैं, दे कैन क्लोज द एप्लीकेशन एंड ट्राई अगेन, एंड दिस इज़ अ न्यू इशू विच इज़ कमिंग अप, और वो काफ़ी चल रहा है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वर्किंग ऑन इट। ये तो एग्जाम्पल है। सो मेरा मेन मोटिव ये था बताने का कि अभी तक ये इशू जो है, अभी तक जो साइट है, इट इज़ नॉट 100% वर्किंग, दे हैव लॉट ऑफ इशूज स्टिल पेंडिंग टू रिजॉल्व। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग सजेशन करेंगे आपको कि भैया यू नो आप इनकॉग्निटो विंडो यूज़ कर लो, ठीक है, उससे एरर नहीं आएंगे। अब इस इनकॉग्निटो विंडो जो है, इसमें ये लक बाय चांस की बात है, वो समटाइम इट वर्क समटाइम इट डजंट वर्क। सो ठीक है, इसमें अगर तो बाय चांस पहले कुछ लोग काम किया वो चल गया और तो ठीक है, वेरी गुड, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं एक बार ट्राई करने के लिए VPN यूज़ करके यू कैन ट्राई, बट इट इज़ नॉट यू नो अ सजेशन, इट्स जस्ट अ थॉट जो लोग करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि जो एक इनकॉग्निटो में अगर आप यूज़ करते हो विंडो में, तो अगर बाय स्लॉट खुलते भी हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्लॉट दिखाएगा लेकिन एरर दे देगा, बुक नहीं करेगा। सो ये जो जो सजेशंस हैं आउट ऑफ द वे जो लोग देते हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, और यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका जी, आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर लो वेबसाइट को, दोबारा लॉगिन कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो आप उसको अवॉइड कर सकते हो इन गलत चीज़ों में डलने से। बट हाँ, ज़्यादा रिफ्रेश मत कीजिए, क्योंकि बार बार रिफ्रेश करोगे योर अकाउंट कैन गेट लॉक्ड, ठीक है जी। सो ये तो था कि यू नो एरर से कैसे टैकल करना है, क्योंकि बहुत से लोग या इवन हम सभी हो जाते हैं, वी गेट यू नो फ्रस्ट्रेटेड विद द एरर्स व्हेन वी आर बुकिंग स्लॉट्स और अदर इश्यूज, ठीक है। तो ये तो मेरा था जी चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अप्लाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, अवॉइड अप्लाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको पता है पैंडमिक के टाइम पे अम्बेसी ने खुद बोला था, यू गाइस कैन रीच नियर बाई कंट्रीज एंड यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा, स्लॉट्स बुक करके आप जा सकते हैं। बट नाउ इन 2024 दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। डोंट गो फॉर अदर कंट्रीज, अम्बेसी अब स्ट्रिक्ट हो गई है, उस टाइम पैंडमिक था, बहुत बल्क था, दे ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, स्टिल एनी हाउ बल्क तो अभी भी है, दे आर वर्किंग ऑन इट, आई एम नॉट श्योर व्हेन दे कैन रिजॉल्व दैट इशू। बट मेन थिंग, यू शुड नॉट बुक एनी स्लॉट आउट ऑफ योर होम कंट्री टू गेट द वीज़ा। प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, रिसेंटली केसेज हैं, कुछ लोग यहाँ से सिंगापुर गए थे एंड द काउंसलर जस्ट यू नो गिव द पासपोर्ट बैक सेइंग दैट यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम योर होम कंट्री, व्हाई यू अप्लाइड यू नो फ्रॉम दिस कंट्री। और अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न नहीं है तो रिजेक्शन तो है ही है, और 95% यू नो रिजेक्शन रेट है जो लोग इस टाइम बाहर किसी और कंट्री में, चाहे दुबई है, चाहे सिंगापुर है, या कोई और नियर बाई कंट्री है, थाईलैंड बैंकॉक भी लोग जाते हैं।
सिर्फ इस इंटरव्यू के चक्कर में, स्लॉट के चक्कर में। वो अभी इस टाइम अप्रूवल रेट सिर्फ 5% है। सो अवॉइड डूइंग दैट्स, बेस इज नाउ स्ट्रिक्ट। अगर आप वहाँ से रिफ्यूज़ल होकर वापस अपनी होम कंट्री से भी दोबारा अप्लाई करते हैं, देन योर अप्रूवल चांसेज आर वेरी लेस। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है जी, अवॉइड दिस। अब लास्ट पॉइंट है जी, दैट इज़ यू नो यू कैन फॉलो मी ऑन माई चैनल, चाहे इंस्टाग्राम पे कर लो, चाहे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। हमारी कोशिश रहती है, वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अपनी मेरी पुरानी वीडियोज देखेंगे, उसमें बताता हूँ कि करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि स्लॉट जो होते हैं खुलते रहते हैं। फिर वही बोलूँगा बार में 24/7 मॉनिटरिंग चाहिए होती है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वे कि भैया चाहिए तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हम, इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल टू टेल यू कि जब स्लॉट खुले मैं उसी टाइम आपको बता दूँ, क्योंकि स्लॉट खुलते हैं हार्डली 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, या मैक्सिमम 15 मिनट तक, और वो भी ऑड आवर्स में खुलते हैं। और अगर उस टाइम खुलें और हम उस टाइम कन्वे करें तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। लोग उस टाइम ना तो हम वीडियो बना सकते हैं, ना आपको कन्वे कर सकते हैं, एंड यू विल नॉट गेट द मैसेज एट द राइट टाइम, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि 24/7 मॉनिटरिंग कीजिए। दूसरा, माई सजेशन, यू नो यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स इफ़ यू कॉन्ट डू इट बाई योर सेल्फ। किसी से भी, चाहे टेलीग्राम है, ऐसे चैनलों से आप डोंट गो फॉर दैट, यू कुड बी इन ट्रबल। हमेशा प्रोफेशनल्स जो आपको लगता है ऑथेंटिकेटेड हैं, गो फॉर देम। वी बुक्ड अ लॉट ऑफ यू नो स्लॉट्स टू फॉर द पीपल फ्रॉम इन लास्ट 2 ईयर्स, बहुत लोगों के स्लॉट बुक करे हैं। और प्रोफेशनल टीम है जो काम करती है, दे नेवर यूज़ सिंगल आईडी। उनके पास, हमारे पास बहुत सारी आईडीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, सो वी कम टू नो अबाउट द आईडीज़ एंड देन वी वर्क ऑन इट। सो इट इज़ नॉट डेट आई एम प्रमोटिंग दिस, लॉट ऑफ पीपल हु नीड अर्जेंट हेल्प, दे कैन ऑलवेज रीच अस। एंड एनीबडी इफ दे वॉन्ट टू गेट देयर वीजा स्लॉट बुक, दे कैन रीच अस। मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप, इट विल बी देयर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो H1 वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, एंड समटाइम्स इमिग्रेंट वीज़ा ऑल्सो। उसमें जो बायोमेट्रिक्स होती हैं, समटाइम्स दे आर नॉट अवेलेबल, सो वी समटाइम्स हैज़ टू गेट द बायोमेट्रिक ऑल्सो, ठीक है जी। चलो, सो दिस वॉज वट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे। आई होप आपको ये वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई होगी, और इसको जरूर दबा के शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना। ये जो वीडियोज़ होती हैं सभी के पास आनी चाहिए, और तभी आप इसको यू नो चैनल को भी प्रमोट करेंगे, ताकि यू नो एवरीबडी शुड गेट द करेक्ट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।